आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जजेस चौक अम्ब्रेला विद मोर देन तड़कास। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी और क्विक रेसिपी। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह पे शटडाउन है, चीजें अवेलेबल नहीं हो रही हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसा नया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा है। चलिए आइए देखते हैं। और हाँ, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे होगा, ये होगा जजेस चौक अम्ब्रेला के एक फ्यूजन तड़के के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारे घर के रात के बचे हुए चावल। तो हमारे घर में अक्सर रात में चावल बच जाते हैं या दिन में बच जाते हैं, तो उन चावलों को हम नई चीज में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आज हम वही देखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कप चावल, आधा कप सूजी, एक कप दही, एक कटा हुआ बारीक प्याज, थोड़ी सी हमें रोस्टेड मूंगफली चाहिए, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक ग्रेटेड कैरेट, थोड़ा सा जिंजर, ग्रीन चिली, जीरा, थोड़ी सी मस्टर्ड, हरा धनिया, सॉल्ट और डेसिकेटेड कोकोनट, जिसको नारियल का बुरादा भी कहते हैं और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर और इसमें हम डाल रहे हैं अपने चावल जो कि हमारे रात के बचे हुए चावल थे। इस चावल में हमको आधा पौना कप पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो हम इसका पेस्ट रेडी करते हैं। तो देखिए, हमको बिल्कुल ऐसा एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अब हम इसे एक बोल में डालते हैं। ये हमारी राइस की स्मूथ पेस्ट रेडी है। अब हमें इसमें डालनी है हाफ कप सूजी। सूजी कोई सी भी होगी, मोटी हो, महीन हो, कोई भी होगी चलेगी। हमें इसे मिक्स करना है। अब हमें इसमें डालना है आधा कप दही और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें 10 मिनट के लिए इसको एक साइड में रख देना है ताकि इसकी जो सूजी है वो फूल जाए। तो देखिए गाइस, हमारी सूजी फूल चुकी है और इसमें बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। अब हमें इसमें मिलाना है ढेर सारा हरा धनिया। इसमें हरा धनिया मिलाएंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्यूजन तड़का दे रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा साउथ इंडियन तड़का देंगे। तो इसमें हम लाएंगे 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, इसे नारियल का बूरा भी कहते हैं और ये इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से या हाफ टी स्पून सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसमें सूजी फूल गई है तो इसका ना टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ही थिक भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसके लिए तैयार करेंगे तड़का। तो चलिए तड़का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम तड़का स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन रख दिया है और पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है, इतनी सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट है, जो कि बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो हमें अपने ऑयल को गर्म करना है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले राई और राई को हम थोड़ा सा चिटकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी टीस्पून जीरा। अभी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और हमारा जिंजर जो कि हमने ग्रेट किया हुआ था। तो हमें जिंजर को थोड़ा सा भूनना है और इसमें अब हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमको हल्का ब्राउन होने तक भूनना है।
आप इसमें करी लीव्स भी डाल सकते हैं, करी लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी नहीं थी मेरे पास तो मैं नहीं डाल पाई, बट आप इसमें करी लीव्स ज़रूर डालें और इसी अनियन के डालने के टाइम पे ही इसको करी लीव्स को भी डालें इसमें, तो कोशिश करें कि डाल पाएँ, सबके पास अवेलेबल हो। अभी हम इसमें एक स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स डालने वाले हैं जो कि है हमारी पीनट्स, जो कि एक क्रंच देती है हमारी डिश को और ये बहुत अच्छी लगती हैं, और ये साउथ इंडियन डिश का हम बना रहे हैं, साउथ इंडियन प्रॉपर साउथ इंडियन तो नहीं कह सकते, हम इसे एक फ्यूज़न तड़के के साथ बना रहे हैं, थोड़ा साउथ इंडियन और थोड़ा चाइनीज़ मिक्स करके, तो ये थोड़ा सा मोर देन तड़का है जैजिस चोको ब्रेला का। चलिए अब हमारे अनियन भी अपना कलर पिंक कर चुके हैं और हमारी जो पीनट्स थी वो रोस्टेड थी, इसलिए हम इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ। अब फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और हमारी ग्रेटेड कैरेट, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे अपने इस चावल और सूजी के मिक्सचर में। देखिए देखने में ही लग रहा है ना बिल्कुल डिफरेंट सा, खूबसूरत सा, कोई कोई डिश होती है ना जो खाओ तो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, जो आंखों को अच्छा लगता है वो खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक तवा ले लिया है जिसपे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, इसे ऑयल से ग्रीस कर दिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं और हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हमने इसमें से एक कड़छी बैटर लेना है और हमें अपने तवे पर इसे फैला देना है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और हमें इसे कम से कम एक से डेढ़ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है लिड लगाकर, तब तक जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। तो देखिए इसमें डेढ़ से दो मिनट हो चुके हैं और अब हमें इसे धीरे से बहुत ही हल्के हाथों से इसे पलटना है और इसे दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेक लेना है। आप इसे आराम से अपने स्पैचुला से दबा दबा कर दूसरी तरफ से हल्का सा सेक सकते हैं। ये खाने में इतने टेस्टी होंगे ना कि आप जब बनाओगे तो याद करोगे, इसलिए इसे ट्राई ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये आपको कैसे लगे। दूसरी तरफ से भी लाल हो चुका है, अच्छे से पक चुका है, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम अपने बाकी पैनकेक्स भी रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे पैनकेक्स हो चुके हैं रेडी और हम इसको सर्व करेंगे रेड हॉट सॉस के साथ। ये रेड चिली हॉट सॉस है। तो गाइज ये थी मेरी हेल्दी पैनकेक की रेसिपी। मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज आगे भी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे सेफ स्टे हेल्दी विद जैजिस चोको ब्रेला एंड मोर देन तड़कास के साथ।